वेलकम टू कल्चर वल्चर। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स रेजरेक्शन की, जो कि मैट्रिक्स सीरीज का अगला पार्ट है। मैट्रिक्स सीरीज जो ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले ख़त्म हो गई थी, उसका एक नया पार्ट आया है, उसकी एक नई फिल्म आई है और उसका ट्रेलर अभी कुछ आई थिंक 1 वीक भी नहीं हुए और उसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। कई लोगों ने उस पर ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो बना दिए हैं और आई नो कि आई एम रियली रियली रेट, बट ट्रस्ट मी, मैं मैट्रिक्स के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा वीडियोज़, बिकॉज मैट्रिक्स का मेरी लाइफ में बहुत ही असर, ज़्यादा असर रहा है और वो असर इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे मैट्रिक्स पोस्टर इन माय रूम। सो या मैं बहुत छोटे से ही ना मैट्रिक्स फिल्म मैंने देख ली थी जब मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत फैसिनेटेड हो गया था, ठीक है। तो उसका भी हम ट्रेलर देखते हैं मैट्रिक्स रेजरेक्शन 4 का और फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि मैट्रिक्स का मेरे पे क्या असर रहा है, मेरी लाइफ पे और यू नो इस कल्चर मिलियू पे क्या असर रहा है, जो यू नो हम मिलेनियल्स हैं उन पे क्या असर रहा है। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। लेट्स वॉच द ट्रेलर। Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Time to fly. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. Thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? All these years to be going back to where it all started, back to the Matrix. Okay, so like the Matrix is so we have seen there is a lot of action that is shown in the film aur uske baad यू नो एक्शन ही दिखाया है और हमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया है, भाई नियो से इंट्रोड्यूस कराया है। नियो इज़ नॉट अ यंग मैन एनी मोर लाइक ही वॉज वेन इन मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट केम आउट, नॉर इज ट्रिनिटी ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो ग्रोन वेरी ओल्ड एंड यू नो सो दिस इज़ आई थिंक अ न्यू मैट्रिक्स एंड दिस इज़ new Neo, this is new Trinity, I think this is new Morpheus. Surprisingly, Morpheus is young and this is a new Matrix, I think. And I think इस फिल्म में कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे होंगे, हालांकि ट्रेलर देख के कुछ पता नहीं चल रहा। ट्रेलर देख के सिर्फ इतना पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एडर्नलिन रश है, जिसके लिए मैं तो मैट्रिक्स सिर्फ इस रीज़न के लिए नहीं देखूंगा। ऑल दो एक बहुत ही चीफ रीज़न है मैट्रिक्स फिल्म देखने का, द चीफ अपील ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स फिल्म, द रीज़न व्हाई इट बिकेम सच अ ह्यूज हिट वाज इट्स एक्शन। बट एक्शन के साथ उस फिल्म में ऐसा क्या था जो ये फिल्म इतनी ज़्यादा चली, और वो था इस फिल्म की स्टोरी, द कॉन्सेप्ट दैट आर यूज इन द फिल्म। तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ ऐसी कि मैं कैसे मैट्रिक्स से इन्फ्लुएंस हो गया।
तो हुआ ये था ना कि जब मैं पांचवी कक्षा में था ना, जब मैं बहुत आई वॉज वेरी यंग, आई थिंक ही वॉज इवन यंगर देन, आई वॉज इन फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड, देन दिस फिल्म केम आउट एंड इट रिलीज इन रियर 1999 एंड माई अंकल वेंट इन थिएटर्स टू वॉच इट. एंड जब वो देख के आया तो भाई उनको लगा ये तो फिल्म बहुत अच्छी है भाई, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ करी, उन्होंने बोला अरे वाह ये तो इतनी अच्छी फिल्म है, इतना अच्छा एक्शन है. लेकिन जब मैंने स्टोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो तो मेरे सर के ऊपर से चली गई. तो फिर दो साल बाद वो फिर फिल्म मैंने HBO पे देखी. जब मैं HBO पे उस फिल्म को देख रहा था तो मैं ऑलरेडी मिडिल स्कूल में था, और जब मैं मिडिल स्कूल में था मैं फिल्म को देख रहा था तो भाई मुझे लगा कि यार एक्शन तो ठीक है, एक्शन तो है ही, लेकिन इस फिल्म में दिखाया कि दुनिया असली नहीं है, इस दुनिया जो है ये नकली दुनिया है, इस एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, इस अ वर्चुअल वर्ल्ड, और इस दुनिया के बियॉन्ड एक नई दुनिया. मेरा तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे जब मैंने फिल्म देखी थी. उसके बाद जब मैंने फिल्म देखी तो मैं अपने क्लासमेट्स को उसकी स्टोरी बताता था, जो आई थिंक मेरी उम्र में काफ़ी नादान थे, तो मैं उनको स्टोरी बताता था मैट्रिक्स की, उनको बताता था कि एक नियो है, नियो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, उसको पता नहीं कि उसकी वो है वर्चुअल वर्ल्ड में और उसकी बॉडी एक दूसरे वर्ल्ड में है. तो मैं लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अपने से भी स्पाइस डाल देता था उस स्टोरी के अंदर. लेकिन होता ये था कि बच्चे इतने ज़्यादा मेरी स्टोरी से अट्रैक्ट होते थे कि टीचर्स को लगता था कि ये बच्चों को कहीं कुछ गलत स्टोरीज तो नहीं सुना रहा. टीचरों ने मुझे उन बच्चों से अलग उठा के बिठाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो सिर्फ मैट्रिक्स की स्टोरी सुना रहा था. ओके, उसके बाद मैं आया हाई स्कूल में. हाई स्कूल में आया तो उसके बाद मैं 11 12th में आया तो मैंने देखा कि कई सारे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो कुछ एक अलग अलग क्लासेस अटेंड करके आते थे. कोई बच्चे एंथ्रोपोलॉजी की क्लास कर रहे थे, पता नहीं कौन सी क्लास कर रहे थे, तो वो मुझे आके बताते कि तुझे पता है मैट्रिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्शन. मैंने कहा वो तो हमें पता है, कहते कि मैट्रिक्स में दिखाया कि दुनिया की इल्यूजन है. मैंने कहा वो तो हमें पता है, तभी तो हमसे होमवर्क नहीं करते हैं, हमें पता है दुनिया इल्यूजन है तभी तो हम होमवर्क नहीं करते हैं. तो कह रहे अरे नहीं इसमें फिलॉसफी भी है. मैंने कहा अच्छा फिलॉसफी भी है, किसकी फिलॉसफी? कह रहे हिंदू फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है. तब हमें समझ में आया यार ये फिल्म तो मतलब वाकई में बहुत डीप है. मतलब जो मुझे लगा सस्पेक्ट था कि जब मैं बहुत यंग था, मुझे 11 12th में आके पता लगा कि एक्चुअली फिल्म में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मसाला है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है. तो जब मैं कॉलेज में आया, मैं अपने अंडर कॉलेज में आया तो मेरे पास इंटरनेट भी आया. मैंने इंटरनेट पे जब देखा तो मुझे पता चला कि यार ये फिल्म जो है इसका अकेला फैन मैं नहीं, पूरी दुनिया बनी बैठी है, पूरी दुनिया इसकी बहुत फ़ैन है. और तब से आई थिंक तब से लेके जब से पहली रिलीज़ हुई थी और जब से जब तक मैं कॉलेज में आया तब तक मैंने इस फिल्म को 40-50 बार तो मैं देख चुका था. और 40-50 बार जितनी बार भी देखता था मैं उस फिल्म से उतना ही ज़्यादा इंथूजियास्ट हो जाता था. मतलब 40-50 बार ही पूरी फिल्म नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट देखता रहता और फिल्में हर बार देख के बहुत फैसिनेटेड हो जाता था. कॉलेज में गया तो मुझे पता लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं इस फिल्म के जो बहुत बड़े 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 फ़ैन हैं भाई, फ़ैन है. फिर मैं फिल्म में और खोजता गया और खोजता गया और खोजता गया, कॉलेज से बाहर निकला, फिर अपने वर्क लाइफ में आया और मैंने जितनी बार भी ये फिल्म देखी मुझे लगा इसमें कुछ नया ही मिल रहा है, कुछ नया ही मिल रहा है, कोई नई फिलॉसफी ऐड हो रही है. और यूट्यूब के आने के बाद तो अलग अलग चीज़ें और पता चलती रहती हैं कि इस फिल्म में इसकी फिलॉसफी इस फिल्म में, उसकी फिलॉसफी इस फिल्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म है इस फिल्म में, इस फिल्म में मार्क्सिज्म है, इस फिल्म में साइको एनालिसिस है, इस फिल्म में पता नहीं क्या क्या है, इस फिल्म में हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, सबका एक मिश्रण है भाई फिलॉसफी का. और मैं वो इसी रीज़न से इस फिल्म में क्या क्या है मैं उसी को अनकवर करते करते अभी तक मैं उससे रिकवर नहीं हो पाया हूँ. और जो भी बंदा मिलता है नया मैं उसको यही बोलता हूँ भाई मैट्रिक्स देखो, भाई मैट्रिक्स देखो, भाई मैट्रिक्स देखो. सब लोगों को लगता है साला अनपेड प्रमोट क्यों कर रहा है ये, है ये फ्री का प्रमोशन क्यों कर रहा है ये मैट्रिक्स का, है इसको ऐसा क्या लगा इस फिल्म में. तो भाई बात यह है कि फिल्म का बड़ा डीप इम्पैक्ट है अपने पे, ठीक है. इस फिल्म से हमारी कहते हैं कल्चरल साइकी को भी बहुत, ये कहते ना इससे कल्चरल पेनिफील, इससे कल्चरल इवेंट, इट्स एन इवेंट दिस फिल्म इज़, ओके. एंड इट चेंज द माइंड ऑफ मैनी पीपल, ओके. एंड सो इसीलिए फिल्म जो है वो मेरे लिए बहुत खास है और आई थिंक ये जब आएगी तो मैं ज़रूर देखने जाऊँगा. और आई थिंक मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा इस फिल्म के ऊपर, और जो भी पहली की मैट्रिक्स पार्ट की फिल्म थी मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँगा. सो या दैट्स अबाउट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय. स्टॉप रिकॉर्डिंग.